मेहुल को जंगल में पेड़ के नीचे आधी जली हुई डेड बॉडी मिलती है। मेहुल अपने ग्लव्स पहनकर डेड बॉडी को चेक करने लगता है, तभी अचानक कोई पेड़ के ऊपर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर एक पत्थर मार देता है। सारी मधुमक्खियां मेहुल से चिपक जाती है। मेहुल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मधुमक्खियां मेहुल को पूरा काट लेती है। खुद को बचाने के लिए मेहुल जमीन पर लौटने लगता है, तभी अचानक मेहुल की रिंगटोन बजती है और मेहुल की नींद खुल जाती है। मेहुल एक सपना देख रहा था, बहुत ही डरावना सपना था ये। मेहुल कॉल रिसीव करता है तो सचिन उसे बताता है कि रचना टावर में पुष्पराज नाम के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, रचना टावर में तो हाई क्लास लोग रहते हैं। मेहुल तुरंत बेड से उठता है और बेडरूम की खिड़की खोलता है तो देखता है कि दोपहर हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा आज मेरी नींद इतनी लेट कैसे खुली। मेहुल जल्दी से तैयार होता है और अपनी कार लेकर रचना टावर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल को फिर उसका वो सपना याद आने लगता है कि मधुमक्खियां आज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। थोड़ी देर बाद मेहुल रचना टावर पहुंच जाता है। यहाँ तो सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेहुल तुरंत लिफ्ट के पास खड़े एक आदमी से पुष्पराज के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि पुष्पराज तीसरे फ्लोर पे रहता है। मेहुल सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं, मेहुल ने तीसरे फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट का यूज क्यों नहीं किया, सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, अभी लिफ्ट 10th फ्लोर पर है और लिफ्ट में एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब लिफ्ट अभी और ऊपर जाएगी। अब वो ऊपर जाके नीचे आएगी, उतने में तो बहुत टाइम हो जाएगा। इतनी देर में तो मेहुल सीढ़ियों से ही 3rd फ्लोर पे पहुंच जाएगा। मेहुल तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है तो उसे राइट साइड वाले दरवाजे पे पुष्पराज की नेम प्लेट दिखाई देती है। मेहुल दरवाजा नॉक करता है लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। मेहुल डोरबेल बजाता है तो अंदर से किसी आदमी के बोलने की आवाज आती है। अंदर तो कोई है तो फिर पुष्पराज ने सुसाइड। मेहुल तुरंत अपनी गन निकाल लेता है। 2 मिनट से भी ज्यादा हो जाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। मेहुल फ्लैट के सारे खिड़की दरवाजों से अंदर झांक कर देखता है तो अंदर तो सब कुछ नॉर्मल और ठीक ठाक लग रहा था, तभी अचानक दरवाजा ओपन हो जाता है। कौन है? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे पता चला है कि पुष्पराज ने सुसाइड कर लिया है। तुम कौन हो, सच सच बताओ? अरे सर, मैं ही पुष्पराज हूँ, आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ किसने मजाक किया है। मेहुल वापस नीचे आ जाता है और अपनी कार लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल अपनी कार साइड में लगा देता है और गन्ने का जूस पीने लगता है। तभी अचानक मेहुल की नजर जूस निकालने वाले मशीन पे पड़ती है और मेहुल समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ है, सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, जिस कटोरे में गन्ने का जूस जमा हो रहा है वो फुल है और मशीन से कंटिन्यूस जूस बाहर आ रहा है, तो कटोरा ओवरफ्लो क्यों नहीं हो रहा है? अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेहुल दुकान मालिक को इन्फॉर्म करता है और दुकान मालिक उस बर्तन को उठाकर देखता है तो नीचे से लीकेज था। थोड़ा ध्यान से काम किया करो, तुम्हारा कितना सारा जूस नीचे गिर गया है और तुम्हें पता भी नहीं था। तभी अचानक एक मधुमक्खी मेहुल के गले में आके चिपक जाती है। मेहुल बहुत डर जाता है लेकिन तब तक वो मधुमक्खी मेहुल के गले में काट देती है। मेहुल को बहुत पेन होने लगता है और मेहुल थोड़ा डर सा जाता है। मेहुल आज तक किसी बुलेट और बॉम्ब से भी नहीं डरा था लेकिन एक छोटी सी मधुमक्खी से डर गया। दुकानदार तुरंत मेहुल को आइस देता है और मेहुल अपने गाल पर आइस लगाने लगता है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या सर, आप इतनी छोटी मधुमक्खी से डर गए? तभी अचानक आलिया का कॉल आ जाता है। और बताइए सर, कैसे चल रही है आपकी जिंदगी? छूटा हो आलिया, जब देखो तब। और इतना कहते ही मेहुल कॉल कट कर देता है। इससे पहले मेहुल ने कभी इस तरह आलिया का कॉल कट नहीं किया था। लगता है मेहुल सर आज बहुत गुस्से में है, कुछ तो करना पड़ेगा। उधर शहर के बाहर एक जंगल में आग लग जाती है। उस जंगल में सबसे ज्यादा मधुमक्खियों के छत्ते लगे थे। आग लगने से काफी मधुमक्खियां शहर में आ जाती है और एक कॉलोनी के बहुत सारे लोगों को काट भी लेती है। मेहुल ये न्यूज टीवी पे देख रहा था। ये आग भी किसी इंसान ने ही लगाई होगी, मुझे जंगल में जाके इस आग का पता लगाना होगा। भले ही ये मधुमक्खियों से भरा हुआ जंगल हो, मैं ये केस सॉल्व करने के लिए वहाँ जरूर जाऊंगा। मेहुल तुरंत बुलबुले साइंटिस्ट को कॉल करता है। साइंटिस्ट, मुझे एक फायर प्रूफ जैकेट चाहिए और मधुमक्खियों से बचने के लिए कुछ भी हो तो वो दे देना, मुझे जंगल में जाना है जहाँ आग लग गई है और वहाँ मधुमक्खियों के बहुत छत्ते भी है। तब साइंटिस्ट मेहुल से कहता है कि उसने 2 साल पहले एक फायर प्रूफ जैकेट बनाया था लेकिन उसे थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, लेकिन मधुमक्खियों से बचने के लिए उसके पास कुछ नहीं है।
ठीक है साइंटिस्ट, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ, तब तक तुम फायरप्रूफ जैकेट रेडी कर लो। मेहुल तुरंत अपनी कार लेता है और बुलबुले साइंटिस्ट के घर की तरफ निकल पड़ता है। बुलबुले साइंटिस्ट ने अपने घर तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए सोचिए। रास्ता बी साइंटिस्ट के घर तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल सही रास्ता लेता है और साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को फायरप्रूफ जैकेट देता है। मेहुल, इसे पहनने के बाद अगर तुम आग में भी चले जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। थैंक यू बुलबुले साइंटिस्ट, अब मैं निकलता हूँ, मुझे जल्दी जंगल पहुंचना है। मेहुल पूरी स्पीड में कार चला रहा था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी जंगल पहुंचना था। सामने एक टर्न था, लेकिन तभी अचानक ओह नो। मेहुल तुरंत कार से बाहर आता है तो सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। स्कूटी पर कोई और नहीं बल्कि आलिया थी। आलिया की स्कूटी पूरी तरह से टूट गई थी और आलिया को बहुत चोट लग गई थी। ये क्या हो गया, उठो आलिया। मेहुल को देखते ही आलिया रोने लगती है। सर, आपने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, अब मुझे बहुत पेन हो रहा है। सॉरी आलिया, वो सामने टर्न था और मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। मेहुल तुरंत अपनी कार से पानी की बोतल निकालता है और आलिया को पानी पिलाता है। मेरा पैर, अब मैं बैडमिंटन कैसे खेलूंगी। चिंता मत करो आलिया, अपन दोनों कैरम खेलेंगे, लेकिन अभी हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी है। मेहुल आलिया को अपनी कार में बिठाता है और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। सर, मेरी स्कूटी। स्कूटी छोड़ो आलिया, मैं तुम्हें नई स्कूटी दिला दूंगा। नई स्कूटी की बात सुनकर आलिया कार में ही उछलने लगती है। मेहुल आलिया को लेकर पास वाले हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। इसका एक्सीडेंट हो गया है और पैर में बहुत तेज पेन हो रहा है। सर, 500 रुपीस पे कर दीजिए और डॉक्टर नवीन के चेंबर में चले जाइए। अरे यार, हॉस्पिटल में आते ही 500 का बिल गया, इतने में तो बहुत सारी चॉकलेट्स आ जाती। चुप करो आलिया, ये इन लोगों की ड्यूटी है। डॉक्टर नवीन आलिया का इलाज करने लगता है। नवीन आलिया को बेड पर लेटने के लिए कहता है तो आलिया नौटंकी करने लगती है। नहीं नहीं प्लीज, आप मुझे इंजेक्शन मत लगाना, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। लेकिन आलिया के पैर को बचाने के लिए टीटनस का इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी था, लेकिन आलिया डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है। लॉजिकल आर्मी, टीटनस का इंजेक्शन बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर जंग खाए लोहे से आपको लग जाती है तो ये इंजेक्शन बहुत जरूरी है। अरे यार, ये इतनी बड़ी लड़की तो बच्चों जैसा करती है। डॉक्टर नवीन आलिया को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आलिया नहीं मानती। फिर डॉक्टर बाहर खड़े मेहुल को बुलाते हैं और मेहुल आलिया को पकड़ लेता है। आलिया इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरा हॉस्पिटल हिल जाता है। फिर डॉक्टर नवीन आलिया के पैर में बैंडेज बांधने लगते हैं और मेहुल खिड़की से देखने लगता है तो उसे सामने रचना टावर दिखाई देता है। मेहुल आज रचना टावर गया था, लेकिन किसी ने उसे फेक इन्फॉर्मेशन दी थी। मुझे एक बार फिर से जाकर देखना चाहिए, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। मेहुल आलिया को हॉस्पिटल में छोड़कर सीधा रचना टावर की तरफ निकल पड़ता है। रचना टावर पहुंचते ही मेहुल सीधा पुष्पराज के फ्लैट के सामने पहुंच जाता है। फ्लैट का दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। मेहुल डोर नॉक करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मेहुल नीचे जाके सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है तो गार्ड बताता है कि उस फ्लैट में तो कोई नहीं है। सुबह तो घर में पुष्पराज था और गार्ड कह रहा है कोई नहीं है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मेहुल खिड़की से अंदर झांक कर देखता है तो समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई जरूर है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देख लिया? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, घर के अंदर टेबल पर एक फ्रेश एप्पल रखा हुआ है और मिल्क का ग्लास रखा हुआ है जिसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब जरूर घर के अंदर कोई है। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेहुल खिड़की से अंदर चला जाता है तो उसे किचन में किसी के होने की आहट सुनाई देती है। मेहुल अपनी गन लोड कर लेता है और धीरे धीरे किचन की तरफ जाने लगता है। मेहुल जैसे ही किचन में कदम रखता है, किचन में पुष्पराज था। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक पुष्पराज को मेहुल की गन मिल जाती है। खुद को बचाने के लिए मेहुल किचन से बाहर आ जाता है और बगल में रखी बोतल उठाकर पुष्पराज के हाथ में मार देता है। पुष्पराज के हाथ से गन छूट जाती है और मेहुल स्लाइड होते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है।
मेहुल की नजर फिर सामने वाले दीवार पर लगे एक फोटो पे पड़ती है जो पुष्पराज की फोटो थी। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जिस पुष्पराज के साथ वो फाइट कर रहा है वो असली पुष्पराज नहीं है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये असली पुष्पराज नहीं है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, फोटो में जो पुष्पराज दिख रहा है उसके गले पर तिल बना हुआ है और मेहुल के सामने जो पुष्पराज खड़ा हुआ है उसके गले पे कोई तिल नहीं है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल नकली पुष्पराज को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। अब सच सच बताओ, कौन हो तुम और यहाँ पर छुप कर क्यों रह रहे हो? तब वो आदमी बताता है कि उसका नाम मिंकू है और उसके मालिक ने पुष्पराज का मर्डर करवा दिया है और किसी को डाउट ना हो इसलिए वो अपने मालिक के कहने पर पुष्पराज के फ्लैट में रह रहा है। इसका मतलब मुझे जो आदमी ने कॉल किया था वो कौन था? मेहुल मिंकू से पुष्पराज की बॉडी के बारे में पूछता है तो पुष्पराज मेहुल को बताता है कि उसकी बॉडी शहर के बाहर एक जंगल में एक झील के पास है। जंगल में आग भी वहीं लगी थी, कहीं ये दो चीजें कनेक्टेड ना हो। मेहुल तुरंत झील के पास पहुंच जाता है। वहीं पास में मेहुल को वो जंगल दिखाई देता है जहां की आग अब बुझ चुकी थी। बचाओ बचाओ, एकदम से मेहुल की आंखें खुलती है। मेहुल झील के पास ही खड़ा था। मेहुल की अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। ये मधुमक्खियों का डर कब जाएगा? मेहुल बचपन में एक जंगल में घुप गया था, तब मेहुल बड़ा शरारती था। उसे जंगल में एक मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई देता है। मस्ती में वो एक स्टोन उठा के छत्ते पे दे मारता है और ये क्या, पूरी मधुमक्खियां मेहुल के पीछे पड़ जाती है। मेहुल तेजी से जंगल से बाहर भागता है लेकिन कभी मेहुल को मधुमक्खियां मुंह पे काटती तो कभी पैर पे। चारों तरफ से मेहुल को मधुमक्खियों ने घेर लिया है। लॉजिकल आर्मी, अब आपको मेहुल को मधुमक्खियों से बचाना है। जल्दी से गेम डाउनलोड कर लीजिए, सेव द डॉग हार्ट, जिसमें आपको मेहुल को इन मधुमक्खियों से बचाना है। मेहुल के अराउंड या कुछ चीजों के अराउंड आपको लाइंस बनानी है जिससे मधुमक्खियां मेहुल को काट ना पाए। तो जल्दी से गेम डाउनलोड कीजिए और मेहुल को बचा लीजिए लॉजिकल आर्मी। मुझे फोकस करना होगा, ये केस सॉल्व करना ही है। मेहुल पीछे पलट के देखता है तो मिंकू वहां से गायब था। मेहुल तुरंत अपनी कार की तरफ भागता है लेकिन फिर मधुमक्खियां उस पे हमला कर देती है। मेहुल इस बार हिम्मत करता है और कोट उतारकर उन्हें झटकारने लगता है और धीरे धीरे अपने कार की तरफ मूव करता है और थोड़ी ही देर में वो कार में बैठ जाता है। बच गया मधुमक्खियों से, लेकिन लॉजिकल आर्मी कमेंट में गेम का लिंक है, डाउनलोड करें और मुझे मधुमक्खियों से बचाए। मेहुल तुरंत अपनी कार से मिंकू का पीछा करता है। मिंकू एक आदमी के साथ भाग रहा था। मेहुल अपने एक हाथ से फायरिंग करता है, बुलेट सीधा जाकर मिंकू की बाइक के टायर में लग जाती है। मेहुल तुरंत मिंकू और उस आदमी को पकड़ लेता है। अब सच सच बताओ, तुमने पुष्पराज को क्यों मारा था? सर, मैं 2 नंबर का काम करता हूँ, जंगल से लकड़ियाँ काट के इलीगल तरीके से बेचता हूँ। जंगल में आग भी हमने लगाई थी जिससे कोई जंगल में अंदर ना आए और हम बहुत सारी लकड़ियाँ चुरा सके, लेकिन पुष्पराज ने हमें देख लिया था इसलिए हमने उसे टपका दिया। अब पुलिस तुम्हें जेल में रोज टपकाएगी। लॉजिकल आर्मी, मुझे आपकी मदद चाहिए। सेव द डॉग हार्ड गेम डाउनलोड करें और मुझे मधुमक्खियों से बचाए। थैंक यू।